few moments later. Come on, kill me, I'm here! को रैंडम बंदे के साथ सीएस में रैंक पुश करने के लिए बेस्ट करेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए, सो गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 5 बेस्ट करेक्टर कॉम्बिनेशन बताया सीएस रैंक के लिए, और इनमें से 4 और 5 नंबर वाला जो कॉम्बिनेशन है ना गाइस, वो सबसे बेस्ट है और सीक्रेट भी है। गारंटी के साथ बोल सकता हूं सीएस में ऐसा कॉम्बिनेशन आप लोगों को कभी भी देखने को नहीं मिला होगा, तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो गाइस हम लोगों का जो पहला कॉम्बिनेशन है ना, वो है एक बैलेंस कॉम्बिनेशन, जिसकी मदद से आप लोग रश भी कर सकते हो और अपने टीममेट को सपोर्ट भी कर सकते हो। तो इसलिए गाइस इसके एक्टिव स्लॉट में आप लोगों को लेना है ओरियन कैरेक्टर। गाइस ओरियन कैरेक्टर अभी के टाइम ना सबसे ओपी कैरेक्टर है सीएस में रैंक पुश करने के लिए। देखो गाइस ओरियन की मदद से ना आप लोग कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। लाइक आप लोगों को बहुत सारा डैमेज दे चुका है बंदा, तो उस टाइम ना आप लोग ओरियन बन के ओपी तरीके से कवर में जा सकते हो, या तो कोई बंदा अगर आप लोगों के ऊपर ग्रेनेड मारता है ओरियन की मदद से आप लोग बच सकते हो इजीली। और बहुत बार ऐसा सीन होता है 1v3 1v4 हो जाता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, उस टाइम आप लोग ओरियन की मदद से ना अकेले पूरे स्क्वाड को मार सकते। जैसे गाइस आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं ओपी तरीके से पूरे स्क्वाड के साथ फाइट कर रहा हूं, ओरियन बन रहा हूं, बंदे को ओपी तरीके से नॉक कर रहा हूं, फटाक से ओरियन बन रहा हूं, ओरियन का डैमेज दे रहा हूं। भाई साहब क्या ही खतरनाक तरीके से आप लोग देख सकते हो मैं फाइट कर रहा हूं इनके साथ। इन लोगों को मतलब एक भी चांस नहीं मिल रहा मेरे को मारने का, क्योंकि फटाक फटाक से मैं ओरियन बन रहा हूं। और गाइस लास्ट में मैंने आसानी से पूरे स्क्वाड को अकेले मार दिया। उसके बाद गाइस इस क्लिप पर भी आप लोग देख सकते हो, सामने पूरा स्क्वाड था और मैं अकेला था, मैं उनके सामने गया ओरियन बना और गाइस क्या ही खतरनाक तरीके से डैमेज देने लगा, फिर से बंदे को नॉक किया, फिर से ओरियन बना और गाइस इधर जाके इस बंदे के ऊपर भी रश कर दिया ओरियन बन के, और गाइस इसको भी मैंने लास्ट में मार के अकेले पूरे स्क्वाड को मार दिया। भाई साहब बहुत ही खतरनाक है ये ओरियन कैरेक्टर। तो बात करें इस कॉम्बिनेशन के पैसिव स्लॉट के बारे में, तो सबसे पहले आप लोगों को लेना है मिगुल कैरेक्टर का स्किल, क्योंकि मिगुल कैरेक्टर का स्किल यूज करने से आप लोग ओरियन कैरेक्टर का स्किल अनलिमिटेड बार यूज कर सकते हो। देखो गाइस ओरियन कैरेक्टर का स्किल यूज करने के लिए आप लोगों को 150 एपी की जरूरत होती है, और मिगुल कैरेक्टर की मदद से आप लोग कोई भी एनिमी को अगर नॉक डाउन करते हो तो गाइस आप लोगों को तुरंत 200 एपी देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप लोग ओरियन कैरेक्टर को बार बार यूज कर पाओगे। उसके बाद पैसिव स्लॉट के सेकंड कैरेक्टर आप लोगों को लेना है सोनिया कैरेक्टर। देखो गाइस जब भी आप लोग सोनिया कैरेक्टर का एबिलिटी यूज करते हो तो गाइस उस टाइम ना आप लोग अमर बन जाते हो, मतलब कोई भी बंदा आप लोगों को एक बार में मार नहीं पाएगा। आप लोगों को मारने के लिए उसको 2 बार आप लोगों को मारना होगा, क्योंकि सोनिया कैरेक्टर का एबिलिटी ऐसा है, सोनिया कैरेक्टर आप लोगों को मारने के बाद भी 3 सेकंड का टाइम देगा सामने वाले एनिमी को मारने के लिए। अगर आप लोग उस 3 सेकंड के अंदर उस एनिमी को मार देते हो तो गाइस आप लोग मरोगे नहीं, आप लोग फिर से जिंदा हो जाओगे। तो देखो गाइस अभी के टाइम हर एक बंदा सोनिया कैरेक्टर लेके खेल रहा है, अगर आप लोगों के पास सोनिया कैरेक्टर है तो गाइस उसको यूज करो, क्योंकि सोनिया कैरेक्टर ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो आप लोगों को हारा हुआ मैच जीता देगा। उसके बाद गाइस पैसिव स्लॉट के थर्ड स्लॉट में आप लोगों को लेना है हायातो कैरेक्टर का स्किल। गाइस हायातो कैरेक्टर का एबिलिटी तब काम करता है जब आप लोगों को एनिमी डैमेज कर देता है, जैसे कि बंदा अगर आप लोगों को पूरा डैमेज कर देता है तो गाइस उस टाइम अगर आप लोग बंदे को डैमेज दोगे गाइस आपका डैमेज ना बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर लगेगा, और सबसे खतरनाक बात उसका वेस्ट और हेलमेट ना बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है, टूट जाता है हायातो के एबिलिटी के कारण, और गाइस उस टाइम आप लोग इजीली बंदे को नॉक कर पाओगे। सो गाइस अगर आप लोग इस कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हो तो गाइस एक चीज को याद रखना, आप लोगों को ना इस कॉम्बिनेशन के साथ एक पैड लेना है जिसका नाम है ऑटोरियो। इस पैड का एबिलिटी ऐसा है कि इसके मदद से अगर आप लोग कोई भी सुपर मेडिकेट यूज करते हो तो गाइस उसका 55% ईपी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके मदद से आप लोग बहुत ही आसानी से ओरियन कैरेक्टर को यूज कर पाओगे। तो इसलिए गाइस ये पैड ना इस कॉम्बिनेशन के लिए सबसे बेस्ट है। ओके, तो गाइस हम लोगों का जो 2 नंबर कॉम्बिनेशन है वो है गाइस स्पेशली रशर के लिए। आप लोगों को सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन में लेना है तासुआ कैरेक्टर को। देखो तासुआ कैरेक्टर का एबिलिटी ऐसा है गाइस कि इसको ना आप लोग 3 बार यूज कर सकते हो नॉन स्टॉप, ठीक है, और इसका जो कूलडाउन टाइम है ना वो 45 सेकंड है, मतलब हर एक 45 सेकंड में आप लोगों को एक बार इसका एबिलिटी यूज करने को मिलेगा। तो ये ना अभी के टाइम सबसे खतरनाक है रशर के लिए, जैसे कि आप लोग इस क्लिप पर देख सकते हो मैंने बंदे को क्या ही खतरनाक डैमेज दिया, उसके बाद बंदा फटाक से ग्लूअल मार दिया और मैंने तसुआ कैरेक्टर का एबिलिटी यूज करके एकदम फटाक से उसके सामने गया और बंदे को सरप्राइज दे के मार दिया। तो इस टाइप से ना आप लोग किसी भी एनिमी को आराम से डैमेज दे के इजिली फिनिश कर पाओगे। तो जो लोग एकदम फुल्ली रश करते हैं ना उनके लिए ये
कैरेक्टर सबसे बेस्ट, चाहे आप लोग सीएस खेलो या बीआर रैंक पुश करो। सो गाइस अभी बात करते हैं इस कॉम्बिनेशन के पैसिव कैरेक्टर के बारे में। सो पैसिव कैरेक्टर में आप लोगों को सबसे पहले लेना है हायातो कैरेक्टर। देखो हायातो कैरेक्टर बेसिकली शॉर्ट रेंज के लिए है। जब भी आप लोग शॉर्ट रेंज में फाइट करोगे तो इसका एबिलिटी खतरनाक तरीके से आप लोगों को हेल्प करेगी, क्योंकि अगर हायातो कैरेक्टर लेके आप लोग खेल रहे हो तो गाइस कोई बंदा अगर आप लोगों को 30% डैमेज देता है तो आपका जो डैमेज बंदे के ऊपर लगेगा वो 5% बढ़ जाएगा। तो इसलिए हायातो कैरेक्टर की मदद से आप लोग कोई भी शॉर्ट रेंज में इजीली बंदे को मार पाओगे। जब बंदा आप लोगों को डैमेज दे देगा तब आप जब उसको स्प्रे करोगे या डैमेज दोगे तो गाइस बंदा ना एकदम खतरनाक तरीके से मर जाए। ओके, तो गाइस इस कॉम्बिनेशन में हम लोगों का जो सेकंड पैसिव कैरेक्टर है वो है गाइस लूना कैरेक्टर। देखो लूना कैरेक्टर का एबिलिटी ऐसा है कि लूना कैरेक्टर की मदद से अगर आप लोग बंदे को फायर करते हो तो आप लोगों का जो रेट ऑफ फायर है ना वो 8% बढ़ जाएगा। मतलब आप लोग जब भी बंदे को मारोगे तो आप लोगों का जो गोली निकलेगा वो बहुत ही स्पीड से बंदे को ऊपर लगेगा, तो बंदा ना इजीली नॉक हो जाएगा नहीं तो खत्म हो जाएगा। और दूसरा फायदा ये है गाइस इसका कि इसके मदद से अगर आप लोग किसी बंदे को मार देते हो या तो आप लोग नॉक कर देते हो तो गाइस तुरंत आप लोगों का जो मूवमेंट स्पीड है ना वो 15% बढ़ जाएगा। गाइस ये दो एबिलिटी के कारण ना ये लूना कैरेक्टर बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है रशर के लिए। सो गाइस इस कॉम्बिनेशन में लास्ट में जो पैसिव कैरेक्टर आप लोगों को लेना है वो लेना है गाइस सोनिया कैरेक्टर। देखो सोनिया कैरेक्टर मस्ट बी इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम, क्योंकि सोनिया कैरेक्टर के मदद से आप लोगों को दो चांस मिल जाता है बंदे को मारने का। जब आप लोगों को बंदा मार देता है तब आप लोगों को सोनिया कैरेक्टर एक्टिवेट होके आप लोगों को 3 सेकंड के लिए और एक चांस मिल जाता है बंदे को मारने का। और उस टाइम आप लोगों के पास अगर ये कॉम्बिनेशन होगा, मतलब लूना कैरेक्टर और हायातो कैरेक्टर और तसुआ कैरेक्टर होगा, तो इजीली बंदे को आप लोग मार पाओगे। तो इसलिए सोनिया कैरेक्टर मस्ट बी इंपॉर्टेंट है इस कॉम्बिनेशन के। ओके, तो गाइस हम लोगों का जो थर्ड नंबर कॉम्बिनेशन है वो है गाइस सपोर्टर रोल के लिए। इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले एक्टिव स्लॉट आप लोगों को लेना है A124 कैरेक्टर, ठीक है। एंड इस कैरेक्टर का एबिलिटी ऐसा है गाइस कि इस कैरेक्टर की मदद से आप लोग ना किसी भी एनिमी का कैरेक्टर स्किल ब्लॉक कर सकते हो। देखो सीएस में ना ज्यादातर बंदे ये दिमित्री कैरेक्टर लेके ना आ जाते हैं और गाइस चारों के चारों बंदे दिमित्री ऑन करके ना हर एक टाइम सबके सब रिवाइव हो जाते हैं। जितना भी उनको नॉक करो वो लोग रिवाइव हो जाते हैं। और ज्यादातर ग्रैंड मास्टर के बंदे ना ये दिमित्री कैरेक्टर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और गाइस अगर आप लोग रैंडमली बंदे के साथ खेल रहे हो या तो आप लोगों का स्क्वाड इतना भी अच्छा नहीं है तो गाइस ये 124 कैरेक्टर अगर आप लोग ले लेते हो इसका कॉम्बिनेशन तो गाइस आप लोग इजीली ना सामने वाले स्क्वाड का सामने वाले बंदेलों का हर एक कैरेक्टर स्किल ब्लॉक कर सकते हो। सिर्फ एक का नहीं चारों के चारों बंदे का कैरेक्टर स्किल ब्लॉक कर सकते हो। उस टाइम आप लोग इजीली उस बंदे के साथ फाइट कर पाओगे क्योंकि उस बंदे के पास कोई भी कैरेक्टर स्किल नहीं रहेगा 30 सेकंड तक। तो उस टाइम आप लोग अपने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की मदद से उन लोगों को आराम से मार सकते हो, ठीक है। और आप लोगों के टीममेट है ना वो लोग भी आराम से उसको मार सकते हैं क्योंकि वो लोग ना एकदम एडम के जैसे हो जाएंगे। एंड इस A124 कैरेक्टर का स्किल को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए इसके साथ आप लोगों को लेना होगा मोको कैरेक्टर। देखो जब भी आप लोग A124 का स्किल यूज करोगे तो गाइस उस बंदी के ऊपर ना डैमेज लगेगा 25 का, ठीक है। तो गाइस वो डैमेज के साथ साथ अगर आप लोग मोको कैरेक्टर ले लेते हो ना तो गाइस उनके ऊपर मार्क भी लग जाएगा, तो चारों के चारों बंदी का स्किल ऑफ हो जाएगा और गाइस उनके ऊपर मार्क लग जाएगा तो आप लोग आराम से उनको ढूंढ पाओगे एंड गाइस ढूंढ ढूंढ के उनको मार पाओगे। एंड उसके बाद A124 को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए ना आप लोगों को लेना है ओथियो कैरेक्टर। जब भी आप लोग उसका एबिलिटी ऑन करके बंदलों को डैमेज दोगे तो गाइस बंदलों के ऊपर पहले तो मार काया जाएगा मोको कैरेक्टर की मदद से एंड उनका जो कैरेक्टर स्किल है ना वो भी ऑफ हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओथियो कैरेक्टर की मदद से उनका जो मूवमेंट स्पीड है ना वो भी कम हो जाएगा। तो गाइस इजीली उस बंदलों को आप लोग पकड़ पाओगे बहुत ही जल्दी जाके क्योंकि मोको से उनका लोकेशन पता चल जाएगा। ओथियो कैरेक्टर की मदद से उनका जो मूवमेंट स्पीड है वो कम हो जाएगा एंड A124 कैरेक्टर की मदद से उनका जो कैरेक्टर स्किल है ना वो भी ऑफ हो जाएगा। तो गाइस सोचो उस टाइम जाके कितनी आसानी से उस बंदे को आप लोग मार पाओगे। और इस कॉम्बिनेशन में लास्ट में आप लोगों को जो कैरेक्टर लेना है वो अपने मर्जी से लोग, ठीक है, क्योंकि गाइस ये तीनों कैरेक्टर की इस मदद से आप लोग बंदे को आराम से मार दोगे। लास्ट का कैरेक्टर आप अपने मन से जो भी अच्छा लगे वो ले लो, ठीक है। ओके, तो अभी बात करते हैं 4 नंबर कॉम्बिनेशन की जो एकदम सीक्रेट कॉम्बिनेशन है। तो इस कॉम्बिनेशन के एक्टिव स्लॉट में आप लोगों को लेना है आयरिस कैरेक्टर। गाइस आयरिस कैरेक्टर की मदद से ना आप लोग कोई भी बंदे को ग्लोअल के आर पर मार सकते हो, कोई भी एनिमी को ग्लोअल के आर पर मार सकते हो आप लोग। लेकिन ग्लोअल के आर पर मारने के टाइम ना बंदे को ज्यादा इतना डैमेज नहीं आता, इसलिए गाइस इस कॉम्बिनेशन में आप लोगों को लेना है लूना कैरेक्टर। लूना कैरेक्टर की मदद से आप लोगों का जो गोली है ना वो बहुत ही स्पीड से निकलेगा जिसके मदद से बंदा जल्दी से जल्दी मरेगा। एंड इसके साथ गाइस आप लोगों को लेना है निकिता कैरेक्टर। निकिता कैरेक्टर का एबिलिटी ऐसा है निकिता कैरेक्टर लेके अगर आप लोग खेलते हो तो गाइस आप लोगों को ना गन रिलोड नहीं करना पड़ेगा, आप लोग एक ही साथ में पूरे स्क्वाड को स्प्रे करके मार सकते हो, ठीक है। और लास्ट में इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में आप लोगों को लेना है न्यारी कैरेक्टर, ताकि जब भी आप लोग ग्लोअल का पैक लगाओ, मतलब ग्लोअल का कवर
पकड़ लो तो आपका ग्लोअल कोई नहीं तोड़ पाए। तो गाइस ये कॉम्बिनेशन लेके मैं आप लोगों को गेम प्ले करके दिखाता हूँ। भाई साहब क्या ही खतरनाक तरीके से पूरे चारों बंदे को आप लोग मार पाओगे बिना कोई डैमेज खा के। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो सामने पूरा स्क्वाड था, स्क्वाड ने मेरे को देख लिया, मैं इधर से आके एकदम ओपी तरीके से इधर कवर में कॉर्नर में आके ग्लोअल का पैक लगा लिया निहारी कैरेक्टर के मदद से। उसके बाद आयरिस कैरेक्टर को मैंने एक्टिवेट किया, ठीक है, उसके बाद ग्लोअल में गोली चलाया और उनका सारे के सारे बंदे का मार्क मेरे को दिखाई दिया। और गाइस उसके बाद मैंने ओपी तरीके से एकदम चापर मार्क को आना उधर मैंने गोली मारा और हर एक बंदे को जाके हेड लगा। आप लोग देख सकते हो हर एक बंदे को मैंने नॉक किया और लास्ट में ग्लोअल तोड़ के निकल के लास्ट जो बंदा था उसको स्प्रे किया और बंदा खत्म। ऐसे करके मैंने पूरे स्क्वाड को अकेले मार दिया। गाइस इस तरह ना आप भी एकदम ओपी तरीके से इस कॉम्बिनेशन की मदद से पूरे स्क्वाड को मार पाओगे। गाइस ये कॉम्बिनेशन और भी डिटेल्स में मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट डे लाऊंगा, ठीक है। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है इसलिए मैं 5 नंबर कॉम्बिनेशन में नहीं बता रहा हूँ, मैं कल के वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो ही तक था। तो गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना और गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो मेरे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है ना उसको ऑल पे सेट कर देना। ओके सो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।